हेलो एंड वेलकम टू न्यूज क्लिक। आई एम परंजॉय गुहा ठाकुर था और आज मेरा साथ वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार। अरुण कुमार जी नमस्कार, धन्यवाद आपका कीमती समय आपने दिया हमें। आज 9 अप्रैल जो हमारे 21 दिन का लॉकडाउन का 16वां दिन, भारतीय रिजर्व बैंक ने उनका मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट, मौद्रिक नीति का एक रिपोर्ट तैयार किया और पेश किया और इन्होंने कहा कि ये जो संकट, जो कोविड-19 का जो महामारी, जो विश्वव्यापी महामारी, ये पूरा विश्व का भविष्य कि एक तरह से इट हैंग्स ओवर द फ्यूचर लाइक अ स्पेक्ट्रम। और इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने मान लिया कि भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था ये कोविड-19 के पहले भी इतना अच्छा नहीं था, मगर लग रहे थे ये आने वाला, ये जो वित्तीय साल शुरू हुई 2020-21 स्थिति का सुधर हो, अच्छा होगा। मगर आज भारतीय रिजर्व बैंक कह रहे क्या होगा भविष्य में, हमें कुछ भी मालूम नहीं है, किस रफ्तार से हमारे जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेंगे हमें कुछ भी मालूम नहीं है। और एक तरह से जैसे पहले भी इन्होंने कहा, कहाँ पे हम जा रहे हैं, किस दिशा में हम जा रहे हैं, हाईली अनसर्टेन सिचुएशन, अत्यंत एक अनिश्चितता का स्थिति से हम गुजर रहे हैं। और क्या होगा, भारतीय रिजर्व बैंक कह रहे हाईली फ्लूइड सिचुएशन। तो इस विषय के ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, रिजर्व बैंक ने जो अपना एनालिसिस दिया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसी स्थिति दुनिया में पिछले 100 साल में तो आई नहीं जब से स्पैनिश फ्लू आया था, और हमारे जिंदगी में ऐसा कभी जो सामाजिक एक जो संकट है और जो आर्थिक संकट है वो ऐसा कभी नहीं आया। तो मेरा मानना है कि इस स्थिति है वो युद्ध से भी ज्यादा बदतर स्थिति है, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि डिमांड तो खत्म हुई है, क्योंकि लोगों का रोजगार खत्म हो गया, उत्पादन खत्म हो गया, जो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट है वो बहुत कम हो रहा है, और ये मान के चलिए कि जो सारी अर्थव्यवस्था एक तरह से जो सड़कें खाली दिखती हैं वही दिख रहा है कि अर्थव्यवस्था एकदम से रुक गई है। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं, ये दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रों में इस समय ऐसा हो रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि अभी जो स्थिति है वो युद्ध से भी ज्यादा बदतर है, जैसे मैंने कहा, और इसमें जो हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि इसको स्थिति को कैसे संभाला जाए। इस समय हम स्टिमुलस की बात करते हैं, लेकिन अभी स्टिमुलस काम नहीं करेगा, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस समय स्टिमुलस से ज्यादा एक सर्वाइवल पैकेज चाहिए, क्योंकि ये एक हेल्थ इमरजेंसी तो है ही, और हेल्थ इमरजेंसी में लोग बड़ी तादाद में परेशानी में आ गए हैं, बहुत सारे लोग मर रहे हैं सारी दुनिया में। तो ये जो स्थिति है इसमें हम अपने अर्थव्यवस्था को बचा लें, अपने लोगों को बचा लें, अपने बिजनेसेस को बचा लें, इतना ही बस हम कर सकते हैं, और ये सोचें कि हम दोबारा से ग्रोथ को रिवाइव कर देंगे वो अभी नहीं दिख रहा है। और अगर आप देख के चलें तो इस समय जो भारत में जो उत्पादन हो रहा है वो सिर्फ एसेंशियल्स का, जो जरूरी वस्तुएं हैं उनका हो रहा है, कुछ कृषि में हो रहा है क्योंकि वहां पे आप अलग अलग रह सकते हैं, पर लेकिन वहां पे भी लेबर शॉर्टेज है। तो मेरा मानना है कि इस समय अर्थव्यवस्था 25% से ज्यादा नहीं चल रही है, 25% से कम ही चल रही है, यानी 75% गिरावट आ गई है। अगर 75% गिरावट है तो अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो जो महामारी है ये कितने साल चलेगी, कहाँ तक फैली हुई है, कौन से राष्ट्रों में है, हमारे एक्सपोर्ट पे असर है, हमारे कंजम्पशन पे असर है, उत्पादन पे असर है, हमारे इन्वेस्टमेंट पे असर है। तो सारी की सारी अर्थव्यवस्था में जो बड़े बड़े मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जो माइक्रो फैक्टर्स हैं, सभी इस समय एक तरह से डिस्टर्ब हैं, सभी में परेशानी का दौर चल रहा है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि जो RBI ने कहा वो सही है, कि हम ये नहीं कह सकते कि कितने दिन में सुधार आएगा, कब सुधार आएगा, तो अभी ये बताना मुश्किल है। और अगर यही चलता रहा तो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ जो है दुनिया में सब जगह गिर जो रहा है, हमारे देश में भी -50 या -70% तक गिर सकता है रेट ऑफ ग्रोथ। तो मतलब एक मिनट,
अध्यापक जी, अरुण कुमार जी, आप कह रहे थे कुछ दिन पहले, भारतीय रिजर्व बैंक कह रहे थे कि ये जो उनका आखिरी जो जो आखिरी जो 3 महीना था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2019 में, बोला जी जिस रफ्तार से भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था जिस गति से बढ़ा, ये 6 साल से भी ज्यादा सबसे कम गति से बढ़ा, जिस रफ्तार से बढ़ा। और फिर आपने कहा पूरा साल में, पिछले वित्तीय साल में 5% भारतवर्ष का जीडीपी का ग्रोथ होगा 2019-20, और ये पूरा एक दशक में सबसे कम रेट होगा। आप कह रहे हैं, आप तो सरकार का जो आंकड़ा है इसके ऊपर, इस विश्वसनीयता के ऊपर आपने बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठाया। आप अभी कह रहे हैं कि ये आने वाले जो वित्तीय साल अभी शुरू हुई, पहला अप्रैल 2020 में, ये 5% तो भूल ही जाइए, हम लोग नेगेटिव, यानी कि हमारा अर्थव्यवस्था, हमारा सकल घरेलू उत्पाद कम हो जाए, यही आपका कहना है? तो सही बात है, और मैं पहले भी यही कहता था कि जो हमारे आंकड़े आते हैं 5%, 7% के, उसमें असंगठित क्षेत्र तो आता ही नहीं है। तो मेरा मानना है कि अर्थव्यवस्था तो ऑलरेडी पिछले तिमाही में -2% की ग्रोथ दिखा रही थी, और अब और ज्यादा गिरावट, क्योंकि अभी तो असंगठित क्षेत्र पूरी तरह से बंद हो गया है और उसके साथ साथ संगठित क्षेत्र भी बंद हो गया है। हमारे आंकड़े तो सिर्फ संगठित क्षेत्र के होते हैं, तो अगर ये देखा जाए कि कौन कौन से क्षेत्रों में अभी भी थोड़ा बहुत उत्पादन हो रहा है या ट्रेड हो रहा है या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो मेरा मानना है सिर्फ 25% नहीं हो रहा है, और अगर 75% बंद है इस समय, तो यानी कि इस समय हमारा रेट ऑफ ग्रोथ -75% है। अब उसमें सुधार कब आएगा, कितने दिन में आएगा, कह नहीं सकते। इसीलिए ये लग रहा है कि इस साल तो गिरावट बहुत बुरी तरह से आएगी, और दुनिया में जैसे IMF ने भी कहा, यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा कि दुनिया में रिसेशन चलने की उम्मीद है, कि ये इस स्थिति से हम आसानी से उभर नहीं पाएंगे। अच्छा। और अगर इस स्थिति से उभर नहीं पाएंगे तो जो प्री पैंडेमिक की जो स्टेज है वो तो अभी पहुंचने में कई साल लग जाएंगे, तो इस साल तो बहुत ज्यादा गिरावट रहेगी अर्थव्यवस्था में, अगर ये डिजीज और ज्यादा नहीं बिगड़ता तो। अच्छा अध्यापक अरुण कुमार जी, ये भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति के बारे में कहा एम्बिग्यूस इम्पैक्ट, ये कहा कि खाद्यान्न का कीमत शायद कम हो सकता है, पॉसिबल डिक्लाइन इन फूड प्राइसेस लाइकली टू बी ऑफसेट, मगर साथ साथ बाकी सारी चीजें हैं उसका दाम बढ़ गया, जो अंग्रेजी में कहते कॉस्ट पुश इंक्रीजेस इन नॉन फूड आइटम्स, क्योंकि इसका जो सप्लाई है इसके ऊपर डिसरप्शंस हो गया। तो इस विषय के ऊपर, मुद्रास्फीति के ऊपर आप कुछ कहिए। देखिए, ऐसा है कि जब भी इतना बड़ा जो आफत आती है और अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ जाती है, तो सारे कमोडिटी के प्राइसेस गिर जाते हैं, और होता क्या है कि जो इन्फ्लेशन रेट जो है वो गिर जाता है, और परेशानी हो जाती है कि कहीं डिफ्लेशन ना हो जाए, और डिफ्लेशन से अर्थव्यवस्था में और बिगड़ने की स्थिति आ जाती है। लेकिन इस समय क्या हुआ है कि सप्लाई ही सारी की सारी बंद हो गई है, और इसलिए मेरा ये मानना है कि बहुत सारी जो वस्तुएं हैं वो मार्केट में अब उपलब्ध ही नहीं हो रही हैं। तो इस समय सिर्फ एसेंशियल जो चीजें हैं वही आदमी खरीद रहा है, वही इस समय मार्केट में उपलब्ध हो रही है। और वो गाँव में तो जो खाने पीने की वस्तुओं के दाम गिर रहे हैं, क्योंकि वो जो सप्लाई है वो वहां से शहर में नहीं आ पा रही, और शहरों में वो दाम बढ़ गए क्योंकि यहाँ पे कमी हो गई है। तो इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गांव में दाम गिरेंगे, शहरों में बढ़ेंगे, और जो बाकी जो एसेंशियल चीजें हैं उसमें जो अगर शॉर्टेज हुई तो उसके दाम बढ़ जाएंगे। तो इस समय ये कहना कि हमारी मुद्रास्फीति ज्यादा होगी या कम होगी, ये अभी कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी जो हमारा कंजम्पशन है वो बहुत बुरी तरह गिर गया है, अभी सिर्फ एसेंशियल्स की बात हम कर सकते हैं। अच्छा अरुण कुमार जी, भारतीय रिजर्व बैंक ने ये कहा कि हमारे देश में जो प्राइवेट फाइनेंस, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि हमने पूरा जो हमारा जो हम खर्च करते हैं, जो कंजम्पशन हम उपभोग करते हैं, इसके ऊपर जो हम खर्च करते हैं, ये कम हो गया, ये आज भारतीय रिजर्व बैंक मान रहे हैं। बोलते हैं ग्रामीण इलाका में रूरल डिमांड, जो ग्रामीण इलाका में जो मांग है, ये जबरदस्त कम हो गया, क्योंकि खाद्यान्न का कीमत पिछले 2 साल से कम हो गया, और साथ साथ जो वेतन लोगों को मिल रहे थे ग्रामीण इलाका में, ये भी कम हो गया। और ये भी कहा कि साथ साथ आपका वेतन कम हो गया, खाद्यान्न का दाम कम हो गया,
मगर साथ साथ मुद्रास्फीति जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए वो रफ्तार तो चल रहा है। इसका मतलब यह है जो असली जो वेजेस है, रियल रूरल वेजेस, ये जो दी, ये आप अगर मुद्रास्फीति के साथ अगर तुलना करेंगे तो ग्रामीण इलाका में लोगों का वेतन, लोगों का आय कम हो गया। ये पिछले 2 साल से कम हो रहा है और इस साल शायद और भी कम होने का संभावना है। ये इस विषय के ऊपर आप कुछ कहिए। और मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, ये मनरेगा के ऊपर, मगर वो मैं इसके बाद पूछूंगा। ये ऐसा है कि इस समय तो काम ही बंद हो गया है, और अगर हम ये सेपरेट कर लेंगे अब क्या हो रहा है और उसके पहले क्या हुआ, तो इसके पहले ये था कि असंगठित क्षेत्र बहुत बुरी तरह से पिट रहा था और असंगठित क्षेत्र जो है वहां पे काम कम हो गया था और उनकी आमदनी भी ये मतलब थोड़ी बहुत कम ही हुई थी क्योंकि ये काम नहीं मिल रहा था। तो उसके कंपैरिजन में जो दाम है, जो होलसेल प्राइस है और जो रिटेल प्राइस है, उसके बीच में गैप भी बहुत बढ़ गया था। रिटेल प्राइस बढ़ गया था, होलसेल प्राइस उतना नहीं बढ़ा था, तो इसलिए जो असली में आमदनी होती है वो असली की आमदनी गिर गई। दूसरी बात यह है कि जब काम कम हो जाता है तो अगर आपकी तनख्वाह बढ़ भी जाती है तो टोटल जो आपकी इनकम होती है, यानी कितने घंटे आपने काम किया और कितना वेतन मिला, वो गिर जाता है। तो जो टोटल वेज जो है जो किसानों का और जो बाकी जो किसानी में काम करते हैं जो मजदूर लोग, उनके में गिरावट आई। और वो गिरावट इसलिए आई क्योंकि काम मिलना बंद हो गया था, काम मिलना कम हो गया था और खाद्यान्न पदार्थ की जो कीमतें गाँव में कम हो गई थी। लेकिन उसका असर ये हुआ कि कुल मिला के जो परचेजिंग पावर है रूरल एरिया में, वो चाहे किसान की हो, वो चाहे मजदूर की हो, दोनों पे असर पड़ा और इसीलिए जो हमारा कंजम्पशन है वो वहां पे गिरा। लेकिन मेरा मानना है कि शहरों में भी गिरा क्योंकि शहरों में भी बहुत बड़ी मात्रा में असंगठित क्षेत्र में लोग काम करते हैं और यहाँ पे भी क्योंकि काम कम हो गया था, आमदनी कम हो रही थी, तो यहाँ पे भी उनकी जो स्थिति है वो गिरावट के तौर पे चल रही थी। तो मेरा मानना है कि जो सारा का सारा असंगठित क्षेत्र है वो परेशानी में चल रहा था, वो चाहे गाँव में हो चाहे शहर में। लेकिन अब जो स्थिति है, अब जो ये COVID-19 के बाद की स्थिति है, ये और भी ज्यादा भयानक है क्योंकि अब काम तो एकदम रुक गया है। मतलब करोड़ों लोग जो हैं उनका काम इस समय रुका हुआ है और उनको आमदनी नहीं मिल रही क्योंकि असंगठित क्षेत्र में कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है। जिस दिन काम होता है उस दिन तनख्वाह मिलती है, जिस दिन काम नहीं होता उस दिन तनख्वाह नहीं मिलती है, और अगर तनख्वाह ना मिले तो आपकी जो टोटल जो आय है वो कम हो जाती है और जैसे जो आय कम हो जाती है तो आपका जो जो लिविंग स्टैंडर्ड है उस पर असर पड़ता है। लोगों को इस समय जो स्टोरीज आ रही हैं कि लोगों को खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, वो जो एसेंशियल चीजें वो खरीद नहीं पा रहे हैं और इसीलिए बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने पलायन किया गांव की तरफ क्योंकि यहाँ शहरों में तो उनको खाना भी नहीं मिल रहा था और खाना मिलने की उम्मीद भी नहीं थी क्योंकि काम पता नहीं कितने दिन तक नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना है हाँ, तो अब मैं यही सवाल आपसे पूछना, इतने जे लाखों लोगों करोड़ों लोगों जो आज शहर छोड़ के अपने गांव के तरह 1000 किलोमीटर नहीं 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर कुछ लोग 1000 किलोमीटर पैदल जाके अपना गांव पहुंचा, ये जो आज जो प्रवासी मजदूर इन लोग गांव जाके इनका क्या स्थिति होगा। और मैं आपको 2 लाइन पढ़ के सुनाना चाहता हूं जो मेरा लग रहा है इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार माना नहीं। ये है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, यानी कि ग्रामीण इलाका में जो जो रोजगार के लिए जो गारंटी है। भारतीय रिजर्व बैंक दिखा रहा है, इन रीसेंट ईयर्स मनरेगा डज नॉट सीम टू सपोर्ट रूरल इनकम मच ड्यू टू डिलेड वेज पेमेंट्स, लोअर वेजेस and insufficient budgetary allocations. According to the periodic labor force survey by the National Statistical Office, the May 2019 report, the wages under MNREGA are lower than the market wage rate for non-public works by 74% for rural men and 21% for rural women. Yani ki aaj MNREGA ke bawajood bhi ग्रामीण इलाका में लोगों का आय नहीं बढ़ रहा है, आप उनको वेतन देर करके दे रहे हैं, आपका इनका वेतन कम हो गया, अपने बजट में पैसा इनको नहीं दिया, और अगर आपका वेतन मनरेगा का रेट से
आपको मनरेगा में कम मिल रहा है और बाहर में इससे ज्यादा आपको मिलेगा, तो आप मनरेगा का जो जितने सारे कार्यक्रम, तो अब आप क्यों जाएंगे वहां रोजगार के लिए? तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द शार्पेस्ट इंडाइटमेंट्स बाय अ ऑफिशियल रिपोर्ट इस भारतीय रिजर्व बैंक ने साफ कह दिया कि आपने ये मनरेगा का भी काम नहीं कर रहे आज ग्रामीण इलाका में। आप कुछ कहिए इस विषय के ऊपर। देखिए, ऐसा है कि ये जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, इसमें आप जाके काम मांग सकते हैं अगर आपको काम नहीं मिल रहा है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कुछ समय पहले आई थी, उसने कहा था कि वहां पे सिर्फ 45 दिन का काम मिल रहा है जबकि 100 दिन का काम देने का प्रावधान है। और यही बात जो कई लोगों ने औरों ने कही है कि लोगों को काम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि बाकी जगह जो है वो काम नहीं मिल रहा है, तो जब वो शहर से जो गाँव में भाग के आए हैं वो फिर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में काम मांगते हैं और वहां पे भी काम पूरा नहीं मिल रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो उसमें क्या है कि जो गरीब आदमी है उसके जो कमाई है वो कम हो गई है, उसको भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। और जो अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें वो जो बात है उसकी पुष्टि की गई है कि जो बाहर जो आपको वेज रेट मिल सकता है उससे कम आपको रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में मिल रहा है, फिर भी लोग मांग रहे हैं क्योंकि बाहर काम मिल ही नहीं रहा है। अगर बाहर काम मिलता होता तो जैसे आपने सही कहा कि वो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में क्यों आते, तो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि शहरों में भी काम नहीं मिला, गाँव में भी जब काम नहीं मिल रहा वहां पे भी मैकेनाइजेशन बहुत हो रहा है, वहां पे भी ट्रैक्टर का इस्तेमाल हो रहा है, थ्रेशर का इस्तेमाल हो रहा है, हार्वेस्टर कंबाइन का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए गाँव में भी काम नहीं है, शहर में भी काम नहीं है, तो लोग कहाँ जाएंगे। तो ये दिखा रहा है कि जो स्थिति है गरीब आदमी की गाँव में वो बहुत ही गिरती जा रही है और वो लोग गरीबी की रेखा से नीचे चलते चले जा रहे हैं और गरीबी जो है देश में बढ़ती चली जा रही है। अब जो स्थिति है, खासकर जो ये इस कोलैप्स के बाद, जो COVID-19 के बाद, ये स्थिति और भी ज्यादा भयानक हो गई, क्योंकि लाखों लोग जब जो वापस गए हैं गांव में उनको जब लॉक कर दिया गया है, उनको जब क्वारंटीन कर दिया गया है, तो एक तो खेतों में जो लोग उपलब्ध नहीं है खेती के लिए और दूसरी तरफ वो जो यहाँ से गए हैं वो भी परेशानी के उसमें आ गए हैं दायरे में। तो कुल मिला के स्थिति जो है गाँव में खासकर गरीब आदमी की और मजदूर की वो बहुत ही खराब है और वो आने वाले समय में और भी ज्यादा खराब होने लगता है, ऐसा है। बिल्कुल अरुण कुमार जी, भारतीय रिजर्व बैंक का रिपोर्ट में ये भी कह रहा है कि हमारे देश में निवेश नहीं हो रहे, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नेगेटिव यानी गिर गया, लोगों का जो बचत है ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स इसका रेट भी कम हो गया, जो 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 उत्पादन हो रहे थे उत्पादन क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो जो उत्पादन का जो सूचकांक है ये भी गिर गया है अक्टूबर दिसंबर में, ये एकदम नेगेटिव हो गया। गाड़ी कहिए, मशीन कहिए, कंप्यूटर कहिए, कुछ भी कहिए, सारे उत्पादन गिर गया। भारत सरकार का जो डायरेक्ट टैक्सेस था जैसे आयकर, उसका कलेक्शन भी कम हो गया 3.3%। पूरा जो अर्थव्यवस्था का स्थिति बहुत ही खराब हमें लग रहा है और आपको भी लग रहा है। तो अभी सरकार के सामने क्या रास्ता है? अभी तक जितने सारे रिलीफ प्रोग्राम्स सरकार ने घोषणा किया, हमारे देश का जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद का 1% भी नहीं है, और ये भी पुराने बहुत सारे स्कीम्स भी है इसमें। तो क्या करना चाहिए सरकार को क्या क्या करना चाहिए? ऐसा है कि जैसे आपने कहा कि पहले ही स्थिति काफी गिरावट पे आ गई थी, हमारा जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो गिर गया था, रेट ऑफ सेविंग्स है वो गिर गया था, और वो उठ नहीं रहा था क्योंकि डिमांड नहीं थी। और जैसे आपने पहले में कहा कि जो गांव में डिमांड कम हो गई थी, और जब गांव में डिमांड कम हो जाती है, असंगठित क्षेत्र में डिमांड कम हो जाती है, तो 94% लोग हैं, और अगर वहां पे डिमांड कम होती है तो बाकी अर्थव्यवस्था में भी उसका असर पड़ता है, और वही दिखने को आ रहा था। और जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हो जाती है, जो RBI का डेटा दिखा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट अपने आप कम हो जाता है, जब इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है तो रेट ऑफ ग्रोथ कम हो जाता है। जैसे मैंने कहा था कि जो रेट ऑफ ग्रोथ तो -2% चल रहा था, तो उस स्थिति में सेविंग भी कम हो जाते हैं और टैक्स कलेक्शन भी कम हो जाते हैं। तो जो आपने आंकड़े बताए वो कंसिस्टेंट है इससे कि जो रेट ऑफ ग्रोथ अर्थव्यवस्था का नेगेटिव चल रहा था। अब जो स्थिति है, जैसे मैंने कहा कि इस समय -70% का है, अब कब सुधार होगा ये हम कह नहीं सकते हैं, तो ये -50% -40% या कितना रहेगा ये भी कहा नहीं जा सकता। तो अब सरकार को क्या करना है? सरकार को सब तरफ से प्रेशर है कि एक स्टिमुलस देना चाहिए, लेकिन इस समय क्योंकि जब सारी अर्थव्यवस्था बंद पड़ी है, स्टिमुलस कुछ काम नहीं करेगा और सिर्फ फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। तो मेरा मानना है, जैसे मैंने कहा कि एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक सर्वाइवल पैकेज,
क्योंकि जो ज्यादातर जो रोजगार वाले लोग हैं उनके पास पैसा नहीं होता, उनके पास बचत नहीं होती, वो सामान खरीद नहीं सकते लॉकडाउन के समय में, तो उनको फूड सप्लाई बहुत जरूरी है। पैसे से भी ज्यादा सप्लाई उनके फूड की जरूरत है और जो एसेंशियल्स है वो उपलब्ध कराना चाहिए। तो सरकार को एक एक्सटेंडेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाना चाहिए और एक एक्सटेंडेड प्रोक्योरमेंट सिस्टम, जिससे कि वो गांव से जो है खाने पीने की वस्तुएं हैं वो गांव से प्रोक्योर करके वो शहरों में बांट सके। उसके लिए जैसे कि इस समय हजारों जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें हैं वो खाली पड़ी हैं, जैसे दिल्ली में DTC की बसें खाली पड़ी हैं, एयरपोर्ट पे बसें खाली पड़ी हैं, उनका इस्तेमाल करके जगह जगह खाना पहुंचाया जाए जिससे कि लोग बाहर ना निकलें। नहीं तो लॉकडाउन का कोई मतलब ही नहीं होगा। अगर लोग पैसे निकालने के लिए बैंक में जुट जाएंगे या दुकानों पर जुट जाएंगे तो फिर लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो लॉकडाउन तो तभी सक्सेसफुल होगा जब लोग अपने घरों में रहेंगे और बाहर नहीं निकलेंगे। तो इसलिए एक्सपेंडेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक्सपेंडेड पब्लिक प्रोक्योरमेंट, ये बहुत ही आवश्यक है। इस समय कैश डिस्ट्रीब्यूशन से भी नहीं काम चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनके पास बैंक नहीं है, उनके पास ATM का एक्सेस नहीं है, वो पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो मेरा मानना है कि पैसे से ज्यादा जो फिजिकल जो एसेंशियल आइटम्स हैं, जैसे गैस है, एनर्जी हो गई किसी तरह की, तेल है, कुछ नमक हो गया, गेहूँ चावल दाल हो गया, कुछ सब्जी हो गई, ये सारा गांव से जो है वो शहर में पहुंचाना बहुत जरूरी है। और जो एसेंशियल प्रोडक्शन है वो चलता रहे, एसेंशियल ट्रांसपोर्ट चलता रहे, ये बहुत जरूरी है इंश्योर करना कि किस तरह से जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा, किस तरह से एसेंशियल चीजों का उत्पादन होगा। दूसरी बात यह है कि ये एक हेल्थ इमरजेंसी है और हेल्थ इमरजेंसी का मतलब है कि हमें हेल्थ की तरफ भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जैसे टेस्टिंग फ्री में करना पड़ेगा, 4,500 रुपये में कोई गरीब आदमी टेस्ट नहीं करा सकता, तो सारी टेस्टिंग सरकार को अपने खर्चे पे फ्री करानी चाहिए, ना कि वो 4,500 कहे। अगर हम टेस्टिंग नहीं करेंगे तो पता नहीं लगेगा कि कहाँ फैल गया है डिजीज और वो और फैलता चला जाएगा। हमको ये भी नहीं पता लगेगा कि कहाँ पे लॉकडाउन करना है, कहाँ नहीं लॉकडाउन करना है। तो एक्सटेंसिव टेस्टिंग की जरूरत है। फिर हमें तैयारी करनी चाहिए कि अगर डिजीज फैल जाता है, ये बीमारी फैल जाती है, तो कहाँ आइसोलेशन वार्ड बनेंगे, कैसे डॉक्टर होंगे, कितनी हमारे मेडिकल पर्सनल है, कितना हमारा जो 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 मशीन चाहिए जैसे वेंटिलेटर वगैरह वो कहाँ से आएगा, उसका उत्पादन तुरंत रेज करना पड़ेगा। और जैसे कि अभी जो हमारे जो डॉक्टर रिटायर हो गए हैं उनको ड्राफ्ट कर लेना चाहिए कि अगर वो काम पे दोबारा आना चाहें। जो लेस एसेंशियल डॉक्टर्स हैं, जैसे जो आँख के डॉक्टर हैं, नाक कान के डॉक्टर हैं, उनको भी इस काम में लगाना चाहिए। एक टीम बना देनी चाहिए पल्मोनोलॉजिस्ट के अंदर, जिससे कि ये डॉक्टर भी वो काम कर सके। और फाइनली जो हमारे नर्सेज और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इस समय मेडिकल में पढ़ाई कर रहे हैं, जो नर्सिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको कुछ पैरामेडिक की ट्रेनिंग देके उनको भी काम में लगा देना चाहिए। और जो हमारे खाली होटल हैं, खाली अस्पताल, जो हमारे जो हॉस्टल्स हैं कॉलेजेस के, वहाँ पे आइसोलेशन वार्ड बनाना चाहिए। और गाँव में जो हमारे कम्युनिटी सेंटर है वहाँ पे आइसोलेशन वार्ड तुरंत तैयारी करनी शुरू करनी चाहिए, जिससे कि अगले अगर 15-20 दिन में स्थिति बिगड़ती है तो हम हेल्थ की भी जाइए इमरजेंसी को डील कर सके। अच्छा अरुण कुमार जी, मेरा आखिरी सवाल, ये आपातकालीन स्थिति है, सिर्फ स्वास्थ्य की आपातकालीन स्थिति नहीं है, पूरा अर्थव्यवस्था में एक आपातकालीन एक स्थिति में हम लोग गुजर रहे हैं। और साथ साथ हम देख रहे हैं वैसे भी भारतवर्ष में अमीर और गरीब के बीच जो दुराय था, तो इम्बैलेंस, द इनइक्वालिटी, वो काफी बढ़ गया, वैसे भी था और भी बढ़ गया, और अब लग रहा है और भी बढ़ने का एक संभावना बहुत है। तो लोग कहते हैं भारतवर्ष में अमीर और गरीब के बीच में दुराई रहने के बावजूद भी हमारे देश में कभी क्रांति नहीं हुई, जैसे फ्रांस में हुई थी, रशिया में हुई थी, चीन में हुई थी। अब क्या लग रहा है क्या होने वाले हैं? खाद्यान्न का लेके लोग दंगा करेंगे, फूड रायट्स होंगे, क्या होने वाले हैं इस आने वाले महीनों में, आने वाले साल में? आप इस विषय के ऊपर आप भविष्यवाणी कीजिए। मेरा ये मानना है कि अगर सरकार एसेंशियल्स को हर व्यक्ति को उपलब्ध करा देगी तो दंगे नहीं होंगे, पर अगर जो एसेंशियल्स हैं वही नहीं उपलब्ध होंगे, खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे आम आदमी को, तो फिर जरूर ये लगता है कि ये दंगे हो सकते हैं। और इसके लिए सरकार को तैयारी भी करनी चाहिए कि जैसे सारी ये एसेंशियल्स को प्रोवाइड करें सब जगह। अब ये भी सवाल उठता है कि कितने देर तक ये चलेगा। अगर भारत में भड़क गया और अगले 4-5 महीने चला तो जो हमारा एसेंशियल्स का भी उत्पादन है वहाँ पे भी कटौती हो जाएगी और फिर एक स्थिति काफी भयानक रूप ले लेगी। इसीलिए मेरा मानना है कि अभी लॉकडाउन करना बहुत जरूरी है। अगर ये लॉकडाउन करके हम कुछ कंट्रोल कर लेते हैं ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, जो एसेंशियल्स हैं,
वो घरों में प्रोवाइड होनी चाहिए, क्योंकि गांव में प्रोवाइड होना चाहिए, शहरों में प्रोवाइड होना चाहिए, घरों में, जिससे कि लोग बाहर ना निकलें। जितना बाहर निकलेंगे उतना ये जो बीमारी हो और फैलती है, ये छूत की बीमारी एक तरह से कहा जा सकता है। तो मेरा मानना है कि अभी जो तैयारी हो रही है उसको हमें और सुदृढ़ करना चाहिए, उसको और पुख्ता करना चाहिए, जिससे कि लोग बाहर ना निकलें और ये डिजीज कंट्रोल में आ जाए। अगर नहीं आएगा तो इस समय तो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कितनी भयानक स्थिति आगे चल के हो सकती है। और इसमें मुझे लगता है कि एक बुनियादी सोच बदलने की ये वो लगता है मुझे कि लोग सोचेंगे कि ये ऐसी स्थिति आई क्यों। अगर एक बार हमने इस पर काबू कर लिया तो लोग ये फिर हो सकता है उस तरह से ना बिहेव करें जैसे कि पहले करते थे, कंज्यूमरिज्म कम हो जाए, पर्यावरण की तरफ ज्यादा ध्यान हो, तो ये एक संभावनाएं हैं, पर क्या होने वाला है इस समय कोई बता नहीं सकता। धन्यवाद अध्यापक अरुण कुमार जी, आप विस्तार से अर्थव्यवस्था के ऊपर और देश के आने वाले दिनों के विषय के ऊपर आपने हमारे साथ बात किया, और उम्मीद है कि हमारे जो भविष्य आप जितना अंधकार देख रहे, उम्मीद है कि सरकार आप जैसे अर्थशास्त्री और लोगों के बात सुनेंगे, और पता नहीं कब तक हम आशावादी हो पाएंगे आज इस स्थिति से, हम ये स्थिति पीछे छोड़ के। धन्यवाद, नमस्कार, न्यूज क्लिक देखते रहिए।